हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दी साइंस ट्रेंच। आज हम पढ़ेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग से टॉपिक के बारे में जिसका नाम है द सेल। सो सेल क्या है? हम सब ने पढ़ा है अब तक की सबसे कॉमन डेफिनेशन कि सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो इसको बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्यों बोलते हैं? ह्यूमन बॉडी जो है, एवरी ऑर्गेनिज्म, नॉट ओनली ह्यूमन बॉडी, इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ एक स्मॉलेस्ट यूनिट जिसके रेपिटेशन की वजह से एक बॉडी बनती है। एंड दिस रिपीटिंग यूनिट, स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट इज कॉल्ड एज दी सेल। एक सेल के मल्टीप्लिकेशन और उसके बाद उसके मॉडिफिकेशन से ही एक ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। एंड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा फैक्ट ये है कि एवरी ऑर्गेनिज्म एट इट्स इनिशियल लाइफ, मतलब जब उसकी लाइफ शुरू होती है, एट दैट स्टेज सबसे पहले इट इज़ ऑलवेज अ सिंगल सेल। उसके बाद इट डिपेंड्स कि उस सिंगल सेल को सिंगल सेल ही रहना है टिल इट्स कम्प्लीशन ऑफ द लाइफ साइकिल, और उसको मल्टीप्लाई होना है। और द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी दीज फॉर्म्स, स्ट्रक्चर एंड कंटेंट्स ऑफ द सेल, उसको बोलते हैं साइटोलॉजी, जिसमें हम सेल का फॉर्म, स्ट्रक्चर और कंटेंट्स को स्टडी करते हैं अंडर माइक्रोस्कोप। ओके, माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्वेशंस के बाद। सो अब हम पढ़ेंगे कि सेल को बेसिक यूनिट क्यों कहते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि एवरी ऑर्गेनिज्म इज़ अ सिंगल सेल व्हेन इट बिगिंस इट्स लाइफ, ठीक है। इसीलिए, क्योंकि सबसे छोटा यूनिट सेल होता है, उसको कहते हैं बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, सो सेल के बेसिस पे, या फिर हम कह सकते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म में सेल सिंगल है या मोर देन वन सेल है, मतलब ये स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, जब लाइफ शुरू हुई क्या ये सिर्फ वहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड हो गया या उसके बाद मल्टीप्लिकेशन हुआ, हम कैटेगराइज कर सकते हैं इट इनटू टू पार्ट्स या टाइप्स। इट इज़ यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर। हम कह सकते हैं ये है सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स जिनको हमने कैटेगराइज किया है। अब व्हाट इज़ यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स? ओके, सो जो ऑर्गेनिजम्स अपनी लाइफ साइकिल एक सिंगल सेल के फॉर्म में कंप्लीट करते हैं उनको कहते हैं यूनिसेल्युलर और एसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। ओके, लाइफ साइकिल एज अ सिंगल सेल, और जो ऑर्गेनिजम्स मल्टीप्लाई होते हैं उनको कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, मतलब मोर देन वन सेल। ओके, सो दीज आर द यूनिसेल्युलर एंड द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। इसका एग्जाम्पल है बैक्टीरिया, जो हम यूजुअली पढ़ते हैं अमीबा। सो ये सब जो है ये मल्टी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स है जो कि सिंगल सेल के फॉर्म में अपनी पूरी लाइफ साइकिल रहते हैं, एज अ सिंगल सेल ही बॉर्न होते हैं और एज अ सिंगल सेल ही उनकी डेथ हो जाती है। एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के एग्जाम्पल है, सबसे बड़ा एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स, ट्रीज एट्सेट्रा। ओके, and it is very interesting to know that human beings, trees, whales, fishes, ये सब big fishes जो है ये सब trillions of cells की composition से बने हुए हैं। एक human body जो है उसमें about 260 types of different cells present है। so let us think कि how एक cell से एक पूरा organism बनता है। so now let us see
कि एक सिंगल सेल से एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म कैसे बनता है। सो इनिशियली एक सिंगल सेल होता है विच मल्टीप्लाइज एंड मल्टीप्लाइज एंड मल्टीप्लाइज और उसके अरेंजमेंट से बनता है एक टिश्यू विच इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग अ सिमिलर फंक्शन, जो एक जैसा फंक्शन करते हैं, इट इज़ कॉल्ड एज अ टिश्यू। फिर बहुत सारे टिश्यूज एक साथ इकट्ठे होते हैं एंड दे अरेंज देमसेल्व्स टू फॉर्म अ ऑर्गन, से सपोज स्टमक। ओके, उसके बाद ऐसे अलग अलग ऑर्गन्स अरेंज होके टुगेदर दे फॉर्म एन ऑर्गन सिस्टम, से सपोज डाइजेस्टिव सिस्टम एंड सेवरल सिस्टम्स एक साथ कंपोज होते हैं टू फॉर्म अ बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म या फिर एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। ओके, ये सारे डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स क्यों हैं? सो दे आर देयर टू डिस्ट्रीब्यूट द लेबर अमंग देमसेल्व्स। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, डिस्कवरी ऑफ दी सेल। तो जैसे कि मैंने कहा कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है दे आर मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल और मोर देन वन सेल। तो ये सारे सेल्स जो है दे आर ऑफ मतलब अलग अलग टाइप्स के सेल है जिनका अलग अलग फंक्शन होता है, और ये सारे अलग अलग टाइप्स ऑफ सेल्स विद अलग अलग फंक्शंस ये सारे एक साथ काम करते हैं, अलग अलग काम डिस्ट्रीब्यूट करके टू गिव आउट अ वंडरफुल आउटपुट। तो इसको कहते हैं डिविजन ऑफ लेबर, मतलब काम का फंक्शन का अपनी अपनी कैपेसिटी या अपने अपने फंक्शन के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन करना और उन अलग अलग कामों को एक साथ करना टू गिव अ कॉमन आउटपुट, उसको कहते हैं डिविजन ऑफ लेबर। ठीक है, इसी वजह से हमारे बॉडी के अलग अलग जैसे ऑर्गन सिस्टम्स हैं, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, इन सबका फंक्शन अलग अलग है, काम अलग अलग है, बट दे ऑल वर्क टुगेदर ओनली फॉर दी फंक्शनिंग, प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन बॉडी। ओके, सो सबसे पहले जो है सेल डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने इन 1665। उन्होंने एक कॉर्क के थिन स्लाइस को माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व किया था और उनको स्मॉल एम्प्टी बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट्स दिखे, जिसको उन्होंने उनकी बुक माइक्रोग्राफिया में भी मेंशन किया था। तब उन्होंने उस टर्म को कहा था सेल्यूला, जो कि आगे चल के सेल कही गई, बट रॉबर्ट हुक के पहले भी सेवरल साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन रहा है, जैसे कि थे जैन स्वामरडैम, उन्होंने 1658 उन्होंने आरबीसीज ऑफ फ्रॉग ऑब्जर्व किए। उसके बाद थे मार्सेलो मेल्फिगी जिन्होंने 1661 में प्लांट और एनिमल टिश्यूज के स्लाइसेस को ऑब्जर्व किया, जहाँ पे उनको स्मॉल स्ट्रक्चर्स दिखे। ओके, इन 1661 उन्होंने ये किया। उसके बाद सबसे पहला फ्री लिविंग सेल, ये तो इन्होंने तो रॉबर्ट हुक के पहले कुछ अपनी डिस्कवरीज या कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए थे, बट सबसे पहला फ्री लिविंग सेल जो है वो ऑब्जर्व किया एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक ने इन 1683। सो एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक ने जो है 1683 में फर्स्ट फ्री सेल को ऑब्जर्व किया अपने खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप में, और इसीलिए उनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है। उन्होंने ऑब्जर्व किया था फर्स्ट फ्री सेल, इसलिए उनको कहते हैं दी फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी।
या फिर आप कह सकते हो एंशिएंट माइक्रोबायोलॉजी, फादर ऑफ एंशिएंट माइक्रोबायोलॉजी, क्योंकि इसी के साथ साथ उनके बहुत सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट कॉन्ट्रीब्यूशन है नेमिया ग्रू का, जिन्होंने 1682 में सेल कंसेप्ट इनिशिएट किया। ये सेल कंसेप्ट कहता था कि प्लांट टिश्यूज जो है इट कंटेन्स माइन्यूट एलिमेंट्री स्ट्रक्चर्स और सेल्स। उसके बाद लैमार्क आए 1809 में। लैमार्क का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है, उन्होंने कंक्लूड किया कि सारे लिविंग बींग्स जो है वो सेल्स से बने हुए हैं, फॉर्म्ड ऑफ सेल्स। ओके, उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन थे, रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया न्यूक्लियस 1831 में, उन्होंने न्यूक्लियस डिस्कवर किया। उसके बाद वॉन वॉल थे और परकिन जी, इन दोनों ने मिलके जो है 1838 और 1839 में प्रोटोप्लाज्म को डिस्कवर किया, और उन्होंने कहा कि जेली लाइक सब्सटेंस होता है सेल में जिसको कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। सो दिस वाज द डिस्कवरी ऑफ द सेल। सो अब हम इसी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्रोसीड करते हैं, जो कि है सेल थ्योरी। ठीक है, सेल थ्योरी दी थी श्लेडन और श्वान ने इन 1839। एक साइंटिस्ट थे मैथियास श्लेडन, इन्होंने 1838 में, ये एक जर्मन बॉटनिस्ट थे, और इन्होंने 1838 में ये फाइंड आउट किया था कि सारे प्लांट टिश्यूज़ जो है वो सेल्स से बने हुए हैं, और ये सेल्स जो है दे आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर। ओके, उसके बाद एक अलग जगह पे, मतलब एक साइंटिस्ट थे थियोडर श्वान, उन्होंने 1839 में कहा कि एनिमल टिश्यू जो है उसमें भी सेल्स होते हैं विच हैव सिमिलर स्ट्रक्चर, बस द डिफरेंस इज दैट उनमें सेल वॉल नहीं होता। सो उन्होंने जो है एक सेल हाइपोथेसिस आगे रखा, विच वॉज दैट बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों आर मेड अप ऑफ सेल्स। ओके, सो श्वान ने दिया था सेल हाइपोथेसिस, जो कहता था कि बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। ओके, सो उसके बाद 1839 में दोनों एक साथ आए, उन्होंने अपनी फाइंडिंग्स एक्सचेंज की, और उसके बाद उन्होंने एक थ्योरी फॉर्म की जिसको कहा गया सेल थ्योरी, श्लेडन एंड श्वान, इन दोनों ने मिलकर सेल थ्योरी दी। अब सेल थ्योरी क्या कहती है? ओके, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। सो इनिशियली सेल थ्योरी स्टेटेड दैट लिविंग बींग्स जो है वो सेल्स और उनके प्रोडक्ट से बने हुए हैं। सेल्स जो है वो एक मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म है जिसमें न्यूक्लियस है, उसके बाद उनका सिमिलर बेसिक स्ट्रक्चर और मेटाबॉलिज्म है। सेल्स आर यूनिट्स ऑफ स्ट्रक्चर इन बॉडी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऐसे सारे स्टेटमेंट्स उन्होंने दिए थे। और उसके बाद जो है फाइनली रुडोल्फ वर्चाउ ने 1855 में एक स्टेटमेंट दिया, और उन्होंने एक्सप्लेन किया कि सेल्स जो है दे डिवाइड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स, और इसका मतलब ये है कि प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही एक नया सेल फॉर्म होता है उस सेल के डिविजन से। सो ये लॉ ऑफ सेल लीनेज उन्होंने दिया, जिसकी वजह से एक न्यू सेल थ्योरी फॉर्म हुई, जो कि जिसको सेल प्रिंसिपल या सेल डॉक्ट्रीन भी कहा गया, जिसमें दो स्टेटमेंट्स थे विच वर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड देयर प्रोडक्ट्स,
इसका मतलब ये है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो उसका बेसिक यूनिट सेल है, और सेल के फंक्शनिंग की वजह से जो प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं उनकी वजह से ही एक लिविंग ऑर्गेनिज्म वर्क ऑन करता है। और सेकेंड पॉइंट ये था कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, मतलब एक सेल के डिविजन के बाद दो और सेल्स फॉर्म होते हैं, सो दैट न्यू सेल इज अ डॉटर सेल ऑफ द इनिशियल वन। सो रुडोल्फ वर्चाउ थे जिन्होंने 1855 में लॉ ऑफ सेल लीनेज दिया, विच वॉज ऑल्सो कॉल्ड एज ओमनिस सेल्यूला ए सेल्यूला, मतलब एग्जिस्टिंग सेल से, प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही एक न्यू सेल फॉर्म होता है। सो दिस वॉज हिज मेजर कंट्रीब्यूशन विच लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ मॉडर्न सेल थ्योरी, जिसने कहा कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड इट्स प्रोडक्ट्स एंड ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। सो दिस वॉज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ सेल, उसका जनरल कंसेप्ट क्या है, डिस्कवरी क्या है, सेल थ्योरी क्या है। होप आपको ये कंसेप्ट समझा होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो अमंग योर फ्रेंड्स एंड डेफिनेटली डू सब्सक्राइब टू माई चैनल।